समझेंगे अब इसमें एक और प्रॉब्लम गॉस टेस्ट में बताते हैं। सबसे पहले आपकी एफ जो एक्सरसाइज है ये चल रही थी ना, आपके पास में जो एग्जांपल सेकंड है ना, उस सेकंड एग्जांपल को फिर की तरह कर सकते हो। फिर आपको एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होता रहेगा और ये है 1/2 × 4 to the power 3 1/3 × 4 to the power 6 to the power p इस तरह से ये सीरीज दे रखी है अपने लिए, ठीक है ना। ये एक सीरीज दे रखी है, अब समझे आप क्या रख सकते हो सिग्मा ह्यूमन इक्वल टू 1/2 × 1/4 समझो इसको मैनेज कर किस तरह से इसको बनाओगे। फिर क्या 1/3 × 2/4 1/3 × 2/4 × 1/6 to the power p 1/3 × 5/2 × 4/6 to the power p कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ? देखो कोई डाउट हो इस तरह से लिख दिया बस अलग करके। अब यूएन क्या बनेगा? एन एच टर्म देखो 1 1 3 1 3 5 तो ये बनेगा 1 3 5 और इससे क्या आएगा 2n-1 अब 1 में क्या आएगा 2 2 4 2 4 6 तो ये बन जाएगा 2 4 6 तो यहाँ से आएगा 2n ये है ना, ये हो गया ना इतना। अब देखो इसको नहीं वैसे आवाज पूछती है थोड़ा स्लो कर दो, स्लो हो जाएगा। देखिए आप अभी और क्या बनेगा, ये 1/4 1/6 1/8 तो ये बनेगा 4 6 8 से 2n+2 आएगा ना, 4 6 8 से 2n+2 to the power p कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को। ये तो हो गया un की वैल्यू। अभी गॉस टेस्ट हम इसको गॉस के अकॉर्डिंग कराना चाह रहे हैं तो आप चाहो तो डेलम्बर टेस्ट को भी यूज में ले सकते हो। किसको? डेलम्बर टेस्ट को भी यूज में ले सकते हैं, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं गॉस टेस्ट के अकॉर्डिंग कराना चाह रहे हैं इसको। तो ये बनेगा 1 3 5 और ये कितना है 2n-1 2n-1 के बाद में जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2n+1 अकाउंट में कितना है 2 4 6 आवाज नहीं है 2 4 6 और 2n 2n के बाद क्या आएगा 2n+2 और इसके बाद में क्या आएगा 1/2n+4 और इसकी भी पावर b। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डिवाइड करो इसको un/un+1 un/un+1 इक्वल में कितना बनेगा समझो। देखो डिवाइड करोगे ना तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी ना, इधर क्या बना 1/2 और इनटू ये टर्म ऊपर जाएगी 2n+2 और 2n+4 अपॉन में 2n+1 पावर p है ना, कितना बना ऊपर 2n+4 है 2n कॉमन लिया 1/2 / n अपॉन में नीचे से भी 2n कॉमन ले तो 1/1 / 2n 2n खत्म टू दी पावर p। क्या लिखोगे इसको 1/2 / n/p और इसमें भी पावर p आएगी ऊपर ले जाओगे तो माइनस का p बनेगा ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट देखें इसमें कितना बनेगा, इसका एक्सपेंशन करो 1/2 p/n और भी टर्म्स होंगे नहीं लिखा ऐसे ही 1 - p / 2n और भी टर्म्स होंगे नहीं लिखा क्या आएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 2 p/n
माइनस पी अपॉन टू एम प्लस में और भी टर्म आएगी उसको गामा एन अपॉन एन टू द पावर पी की फॉर्म में लिखूं। भाई हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता है। नीचे देखो कॉस टेस्ट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन अपॉन एन टू द पावर पी, इनसे में कोई भी मतलब नहीं होता। आपको पता है अल्फा ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्ट है, अल्फा ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्जेंट, अल्फा इक्वल टू 1 हो तो बीटा चेक करते हैं, बीटा ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, बीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्जेंट, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो बाकी का टोटल कैलकुलेशन क्या करोगे, छोड़ो उसे, ऐसे लिख दो गामा एन अपॉन एन की पावर पी। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 1 प्लस v / 2 p, देखो p / n, p / n कॉमन तो 2 - 1 / 2 बनेगा जो कि 3 / 2 होगा अपॉन में n प्लस में कितना है गामा एन अपॉन एन की पावर पी, अल्फा इक्वल टू क्या है 1, अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा इक्वल टू क्या है 3 / 2। लगा दो इसमें कंडीशन, और क्या कराना है फिर क्वेश्चन है रीजन एग्जांपल दे एग्जांपल थर्ड ओपी थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है उसमें फोर्थ से पहले है ना इसका छोटा सा वो बना रखा है थोड़ी सी मिस्टेक है उसमें कंडीशन जो लगाई है उसमें टेस्ट को लगाया है वो रहा थे ना कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा वी आर इक्वल टू 1 ले लिया जाएगा देखो यही तो है ना Thank you.
देखो सिग्मा यू एन इक्वल टू वन अपॉन एन, सिग्मा यू एन इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर पी और अपॉन में ई एन करिए लॉग ए की पावर पी। तो इस वन अपॉन एन की पावर पी को है ना सिग्मा वी एन ले लेंगे। तो अब इस पी पे कंडीशन लगाएंगे, लिख दिया ना उसने लास्ट में p greater than 1 convert and p greater than equal 1 divided by 2 बोलो कराना है नहीं सिग्मा n स्क्वायर क्या होगा तो इस कन्वर्जन में डायवर्जेंस सिग्मा n स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 तो इनफाइनाइट बनेगा नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 तो डायवर्जेंस होगा जा सकती है ना इसमें, ठीक है ना।
कितनी भी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो किसी भी पैराबोला पर टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो एम एक्स प्लस ए वाई एम होता है। क्या होता है टेंजेंट लाइन का? तो अब देखो यहाँ एम एम के स्लोप है ना, किसी एक लाइन के लिए एम की वैल्यू कुछ एक होगी और एम की वैल्यू बदल देंगे तो कोई दूसरी लाइन मिल जाएगी, एम की वैल्यू बदल दें तो तीसरी लाइन मिल जाएगी। एम यहाँ होता तो कॉन्स्टेंट है किसी एक लाइन के लिए। अगर इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन हो तो उनके लिए क्या होगा, मतलब कितने भी हम मोर देन वन हो तो उनके लिए ये एम चेंज होता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में एम को क्या कहेंगे, पैरामीटर। तो एम के चेंज होने पर, एम के चेंज होने पर जितना भी यहाँ से लाइंस बनेंगी उन सभी लाइंस का जो सेट होगा उसको आप क्या कह सकते हो, फैमिली ऑफ द कर्व्स, ठीक है ना। और किसी भी फैमिली ऑफ द कर्व्स को डिनोट करोगे आप तो ये लिखोगे एम ऑफ एक्स वाई इसमें लिखेंगे इन जनरल the equation of one parameter family of curve family of curves is represented by f of x y alpha equal to 0, है ना। वो देखो f of x y alpha equal to 0 where alpha is the parameter of family नेक्स्ट डेफिनेशन डालो, हेडिंग डालोगे एन वाला इसमें लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा रिप्रेजेंट्स इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कर्व्स represents the family of curves whose parameter is alpha if the curve f of x y alpha equal to 0 and f of x y alpha plus del alpha equal to 0 cut in a point which tends to a definite या definite point P and delta alpha tends to 0 then the locus of P
locus of P is called the envelope of locus of P is called the envelope of the family. Of this family लिखना, sorry, एक मिनट, of the family, ऐसे ही रखते हो, of the family. So, इसको समझो. देखो f of x y alpha और वहां f of x y alpha plus del alpha, यानी only parameter में चेंज किया है. जैसे हमने कहा था ना m में चेंजिंग करें, m में चेंजिंग करोगे तो ये लाइन क्या है चेंज होती रहेगी, ठीक है ना. और जो लाइन है ना ऐसे कह सकते हैं, यहाँ m में चेंज करते जाओगे तो ऐसे इस पैराबोला पे इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती है. तो शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेंजेंट लाइन है ना उसका हर एक पॉइंट कर्व को ये जो पैराबोला है उसको टच करेगा, m बदलता जाएगा तो ये भी बदलती जाएगी ना टेंजेंट लाइन. और पैराबोला का हर एक पॉइंट इस लाइन को टेंजेंट लाइन को टच करेगा हर एक पॉइंट पर. जैसे अभी एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, ऐसे तो कितनी भी हो सकती है ये टेंजेंट लाइन, ठीक है ना. अब लिखोगे आगे हेडिंग डालो नेक्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग दी एनवेलप. देखो एनवेलप की डेफिनेशन को याद रखना, एक नंबर में पूछी जाएगी और 100% आती है. एक्सरसाइज वन के लिए मजाक नहीं कर रही, फिक्स है. हेडिंग डालो मेथड टू फाइंडिंग द एनवेलप. मेथड to finding the envelope लिखोगे let, इसमें लिखना let f of x y alpha equal to 0, let f of x y alpha equal to 0. f of x y alpha equal to 0 be the equation of a be the equation of a be the equation of a family of curves where alpha is the parameter. alpha is the parameter. देखिए ये तो family of the curves आपको दी जाएगी first. अब अगर आप इसका पार्शियल डिफरेंशियल करें विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर अल्फा तो ये बनेगा डेल अल्फा कौन डेल अल्फा इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर सेकंड डाल करना क्या होगा आपको, कोई मेथड ऐसा नहीं है यहाँ कि जो पुराने मेथड हो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ. आपको क्या करना है इन दोनों ही इक्वेशन से अल्फा को एलिमिनेट करना है. लिखो इसके बाद be eliminating alpha. पहले लिखो इनको equation first, इसके बाद में partial differential with respect to alpha और ये equation second, second equation के बाद लिखोगे be eliminating alpha. from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 नोट कर दिया ना. from equation 1 and 2 then we find required envelope.
that defined required a column. एक मेथड लिखोगे आप, देखेंगे when the equation of the family, when the equation of the family is a quadratic, in the parameter, quadratic in the parameter alpha, यानी कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक दे रखे हो ना पैरामीटर में, तो उसकी हेल्प से हम एनवेलप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। कविशा देखो, लेट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कार्स हो, n parameter alpha is quadratic form में हम मान रहे हैं। देखो quadratic form में a alpha square plus b alpha plus c equal to zero, कोई problem तो नहीं। quadratic form में parameter की quadratic form में क्या मान लिया हमने, कोई भी equation मान लिया, आप इसको differential करना, differential with respect to alpha, तो ये बनेगा 2a अल्फा प्लस b इक्वल टू जीरो। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस b बाई 2a, वन इम्प्लाइज फर्स्ट वाले में रखोगे ना ये रिजल्ट, तो अल्फा की वैल्यू रखोगे ना a माइनस b अपॉन 2a स्क्वायर प्लस b अल्फा की जगह माइनस b अपॉन 2a प्लस c इक्वल टू जीरो। देखो एक एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस यानी b स्क्वायर अपॉन में 4a, माइनस का क्या बनेगा b स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस c इक्वल टू 0। अब एक एक से मल्टीप्लाई कर लें तो 4a 4a बनेगा, तो देखना माइनस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c इक्वल टू 0 4a से मल्टीप्लाई कर दो इसको, उधर ले जाए ट्रांसफर करके, ये बनेगा b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ये आपको डायरेक्ट आपको लर्न करना होगा, इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट ही किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट कीजिएगा, अब कुछ नहीं है मेथड यही था और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे।
हो गया ना। अब देखें इसमें डिपेंड कुछ प्रॉब्लम्स। देखिए एनवेलप में क्या करना होगा आपको, जब भी एनवेलप निकालोगे ना आपको एल्फा को एलिमिनेट करना होगा, यही आपको मेथड में लिखा है ना हमने। जो पैरामीटर एल्फा है ना इसको क्या करना है, बात है नहीं समझेंगे अब इसमें। चलो बात नहीं, इधर सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का ही एक पार्ट है ये। आपसे कहा है फाइंड द एनवेलप ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या है आपको प्राइमरी ऑफ स्ट्रेट लाइन दी है y इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर m इज पैरामीटर। m क्या है पैरामीटर है, समझो। इसमें अगर इसको स्क्वायर करें y माइनस mx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर एंड स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, होल स्क्वायर करें इसका y माइनस mx या होल स्क्वायर करें तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 2 mxy प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, m स्क्वायर वाली टर्म है ना, दोनों में से m स्क्वायर कॉमन दो तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2 mxy प्लस y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हिच इज ए पैरामीटर which is a quadratic equation and parameter m. which is a quadratic equation in parameter.
क्लियर है? इसके लिए भी टाइम चाहिए। डी आप घर पे करोगे? आज कल आज ही करना चाहते डी डी है इसका पहले का ही डी सर। इसके बाद ई कर लोगे देखो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई है मैंने क्वाड्रेटिक बना दोगे उसे तो क्वाड्रेटिक एम से मल्टीप्लाई कर देना तो पैराबोला बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड समझे समझो इसमें ये है ना x minus a square plus y square equal to 4a where a is a parameter a क्या है इसमें parameter है ना तो इसको क्या करोगे आप partial differential with respect to a तो क्या आएगा इसको x minus a बनेगा y square zero equal to 4 2 से 4 2 times x equal to क्या आएगा a plus 2 सॉरी ये इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से x माइनस टू यही तो बनेगा। इस वैल्यू को जब a की वैल्यू है इसको 1 में रख दो तो 1 इंप्लाइज क्या बनेगा मैंने आपको कहा एक जो इक्वेशन दे रखा है एक उसका पार्शियली डिफरेंशियल करो तो जो दोनों जो इक्वेशन बन गए उनसे आपको पैरामीटर को एलिमिनेट करना है कैसे भी करो मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है डिवाइड करना पड़ सकता है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 था डिवाइड करके होगा डिवाइड से एक ही क्वेश्चन है और जिसमें साइन और कॉस आए तो समझाओ दोनों समझ जाओ कि दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करना है। अभी बताएंगे उसका भी ये करना वाला x माइनस टू आया ना इसे x माइनस टू को यहाँ रखो कितना x माइनस ए इक्वल टू टू रख दो तो 4 हो गया आपकी और प्लस का कितना ये y स्क्वायर इक्वल टू 4 ए ए की वैल्यू कितनी है x माइनस टू ये बनेगा यहाँ x माइनस ए को क्या रखा टू लिखा ना तो 4 हो गया बताइए क्या बना y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 8 और माइनस का 4 और होगा तो माइनस का 12 और कॉमन ले लो x माइनस 3 ये हो गया। अब देखो इसमें और भी जैसे कि हम बात कर रहे थे आपसे अभी कि ये जो इसका सेकंड का भी है ना इसमें है x स्क्वायर sin अल्फा प्लस y स्क्वायर cos अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर वेयर अल्फा इज अ पैरामीटर तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा कि अभी आपको बताया साइन कॉस आ जाए तो पार्शियल डिफरेंशियल करना और स्क्वायर करके ऐड करना है ठीक है ना क्या बनेगा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालें पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर कांस्टेंट sin अल्फा का cos अल्फा माइनस y स्क्वायर sin अल्फा इक्वेशन नंबर सेकंड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अच्छा देखो क्या बनेगा x स्क्वायर sin स्क्वायर इनका स्क्वायर कैसे हो गई इसमें होल स्क्वायर करोगे ना यहाँ ऐसे तो a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करोगे इसका भी होल स्क्वायर करोगे ना ऐसे तो फर्स्ट पर्सन का स्क्वायर किया सेकंड का स्क्वायर किया प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो गए ठीक है ना करो ना इसको या एक मिनट और रुकना इसका जो c पार्ट है ना ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स कॉस थीटा ये माइनस का डिफरेंस है थीटा है ठीक
इक्वल टू सी स्क्वायर वेयर थीटा इज ए पैरामीटर सम रेंजमेंट क्या करना है 2x cos थीटा और sin थीटा को आप राइट साइड पे ले जाओ और ये है ना c स्क्वायर इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और इसको लिखो बे 2ax cos थीटा माइनस 2ay sin थीटा और ये डिफरेंशियल करोगे ना इनको स्क्वायर करके ऐड करें तो क्या बनेगा ये बनेगा 4a² x² + 4a² y² ये बन जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर इसको 4a² कॉमन लो 4a² कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर ये बना करें नोट इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं तो आज की इस क्लास में इतना ही रखेंगे आप जितने भी क्वेश्चन कर सकते